दैट फकिंग नागालैंड। सामने मिलेगा एक एक का गला काट के फेंक दूंगी मैं। ये ऐसे लोग हैं एनिमल लवर्स। सो कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बट देयर इज वन मोर वायरस दैट्स बीन स्प्रेडिंग थ्रू द इंटरनेट एंड दैट्स हिमा चोद। नाउ शी इज फाइटिंग फॉर एनिमल राइट्स, इट्स गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम शी इज यूजिंग दिस प्रोटेक्ट टू रेशली अब्यूज नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। यूज चिंकी वर्ड फॉर द नॉर्थ ईस्ट पीपल इन हर प्रीवियस वीडियो, तो इन द लेटर वीडियो शी इज अपोलोजाइजिंग फॉर यूजिंग द टर्म। देखिए जो चिंकी वर्ड है, आई एम सॉरी, कान पकड़ रही हूँ, वो मैंने इंटेंशनली नहीं बोला था। बट लेटर ऑन द सेम वीडियो शी सेइंग इट वाज नॉट अ स्लिप अप। कल स्लिप अप टंग तो नहीं था, मतलब चाइनीज और तुम लोगों में क्या फर्क है? फर्दर शी इज कंपेयरिंग अस टू द चाइनीज पीपल। वायरल हो रहा है नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट आई गेस इंडिया में है। ठीक है हेमा जी, आप इतना बोल रहे हैं तो आप ये वीडियो भी देख लीजिए। बड़ी से बड़ी बाहरी फौज ने इनके इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं की। दुश्मन के सरों को काटकर अपने घर में सजाना इनकी परंपरा रही है। ये जितने अजेय योद्धा हैं उतने ही मेहमान नवाज और स्वाभिमानी भी। जब ये भारतीय सेना में शामिल हुए तो इनके साथ इनकी परंपराएं भी आईं। ये है भारतीय सेना की सबसे युवा रेजिमेंट, हेड हंटर्स यानी नागा रेजिमेंट। नागा पीपल, मिजो पीपल, अरुणाचलीज, इवन वी अरुणाचलीज हैव अशोक चक्र अवार्डी हंगपन दादा। वी आर फाइटिंग, आवर पीपल आर फाइटिंग इन द बॉर्डर्स। You know, why can't you consider us as Indians? You know, why you have to always alienate us? मर जाए सारे गवर्नमेंट के नेता लोग सालो। इसके मैं खुद भी बुद्धिस्ट हूँ, कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ। You serious? आप बुद्धिस्ट हो? अरे बुद्धिस्ट लोग ऐसे बात करते हैं, काट देंगे। Coming to the topic of dog meat, I'm also a pet lover and I know that most of the Naga people are also pet lovers. Not all of them are dog eaters. Let's hear this Naga lady out. Maybe आपका जैसा dog lovers है, animals lovers है maybe. Nagaland में जो आदमी लोग बहुत है जो animals lovers है वहाँ पे। अपने वीडियो में क्या बोले? हर नागालैंड आदमी कुत्ता खाता है। There is a certain way of saying things, you know. Just because you are fighting against animal cruelty doesn't give you the right to speak against a certain community. Doesn't give you a right to make racist remarks. काट देगा, मार देगा. Literally, it's like culpable homicide. See, every society, every culture has its problem. Hindu society, Muslim society has problems. Tribal society has problems. Regarding food habits, there are food habits which are not good for us, you know. And pandemic has really taught us that we need to change our fooding habits, and changes are happening. The Naga government has recently banned the sale of dog meat. So yeah, people are changing. I believe what Hima Chaudhary said should be considered as hate speech, and she should be charged under section 153A. She recently tendered a final apology also. Yes, my few words, the way I presented the video, it all had gone. Yeah, okay, apologies are always welcome, but there should be some proceedings against her. So that's all for now. Thank you for joining.